नमस्कार, मैं मेघा, स्वागत है आपका द लीडर हिंदी में। आज खुशियों का पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। पूरे देश में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में बरेली के मॉडल टाउन स्थित हरि मंदिर में शस्त्र पूजा की गई। इस मौके पर बरेली मेयर उमेश गौतम, पप्पू भड़तौल, डॉक्टर के एम अरोड़ा समेत बरेली से कई नामचीन लोग मौजूद रहे। आगे देखिए किस तरह से हरि मंदिर में विजयदशमी के पर्व को मनाया गया। आज जो विजयदशमी का दिन है, बुराई पर अच्छाई की जीत है। जो हरि मंदिर है बाडा टाउन में, वहाँ पर शस्त्र पूजा की गई। उसी में हमारे साथ अतुल कपूर जी मौजूद हैं, जो उपसभापति भी रहे हैं और एक बहुत ही जुझारू पार्षद के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। हम उनसे तमाम चीज़ें समझेंगे कि शस्त्र पूजा क्यों की जाती है और इसकी क्या वजह है और जो तमाम चीज़ें हैं। सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं, आज विजयदशमी का दिन है। ये बताइए कि शस्त्र पूजा करने की वजह क्या है। धन्यवाद। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी बरेली वासियों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शस्त्र पूजन का आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में भी जब भगवान राम थे तो उस समय शस्त्र के रूप में धनुष बाण हुआ करता था, और अधर्म पे धर्म की जीत जिसको कहा जाता है। जैसे पहले काल में भी आपने देखा था कि जिस तरीके से लोग अधर्म के रास्ते पे चल पड़े थे, तब भगवान राम ने अपने धनुष बाण से उनका सर्वनाश किया था और इस संसार का उद्धार किया था। तो शस्त्र पूजन का मतलब सिर्फ यही है कि हम लोग अपने देश की, अपने शहर की और अपने परिवार की रक्षा करें। इसके लिए शस्त्र पूजन हम लोग दशहरे वाले दिन मनाते हैं। चाहे उस समय शस्त्र धनुष बाण चलते थे, तलवार चलती थी, कृपाण चलती थी, और आज जो है वो आधुनिक हो चुका है, तो तोपे और बंदूकें, रिवॉल्वर और इस तरीके के सब चल रहे हैं। ये इसका मेन पर्पस होता है कि पावन पर्व आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को इसकी बधाई देना चाहता हूँ। विजयदशमी एक ऐसा पर्व जो हम सबको याद दिलाता है कि कितनी भी बुराई हो लेकिन जीत अच्छाई की ही होनी है। आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ज़रूर अपनी बुराइयों से आगे बढ़ सकते हो, धन अर्जित कर सकते हो, लेकिन अंत में जीत अच्छाई की ही होनी है। इसको हमें मन में बैठालना चाहिए। आज शस्त्र पूजन था। शस्त्र पूजन हमारी परंपरा है। हमारे सभी देवी देवता अपने साथ शस्त्र रखते थे, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए हमें शस्त्रों की हमेशा ज़रूरत रहती है। आज हम लोगों ने ये संदेश दिया कि शस्त्रों को हम सिर्फ संभाल कर सिर्फ पूजा के लिए ना रखें, इसका प्रयोग करना भी हम सबको आना चाहिए, हमारे बच्चों को भी आना चाहिए, ताकि वक्त ज़रूरत हमारी लोकल आर्मी अपना काम कर सके। अभी मेयर साहब ने बताया कि इसराइल में हर व्यक्ति को, हर बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है। उसकी डिग्री पूरी तब होती है जब उसको शस्त्र चलाने की पूरी ट्रेनिंग प्राप्त हो जाती है। तो मुझको लगता है भारत सरकार को भी ऐसा काम करना चाहिए। सर, प्रथम मैं आप सबको आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं कहना चाहता हूं। और यहां पर आज विजयदशमी का पर्व पंजाबी संगठन द्वारा मनाया गया है, जहां पर सभी लोगों ने अपने शस्त्रों की पूजा की है और पूजा कर ये निश्चित किया है कि बुराई पर, किसी भी तरह की बुराई हो, उस पर जो अच्छाई की जीत का हमें संदेश मिला था, हम भी उसी पर काम करेंगे। जैसे अगर हमारे यहाँ कोई कूड़ा कहीं भी सड़क पर डाल रहा है तो वो भी एक बुराई है, तो उसमें भी हम अपना योगदान देंगे और उसे अच्छाई में बदलेंगे।